नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। राजकीय महिला महाविद्यालय सिरसा में दो दिवसीय संगीत एवं सांस्कृतिक उत्सव आगाज 2020 का आयोजन किया गया। इस उत्सव के उद्घाटन अवसर पर सिरसा के प्रख्यात समाज सेवी राजकुमार चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने संस्कृत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम के समापन सत्र के अवसर पर राजकीय महिला महाविद्यालय महेंद्रगढ़ के प्राचार्य राम कुमार सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर के डूडी ने बताया कि इस दो दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव अगस्त 2020 के अंतर्गत गायन, नृत्य, अभिनय, संगीत के से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान अर्जित करने वाले विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्य अतिथि समाज सेवी राजकुमार चौधरी ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। इससे बच्चों में आपसी प्रेम की भावना जागृत होती है और आज की युवा पीढ़ी इसी तरह के कार्यक्रमों में भाग लेकर नशे और अन्य बुराइयों से दूर रहती है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। आगाज 2020 संगीत और सांस्कृतिक युवा उत्सव है। राजकीय महिला महाविद्यालय में ये दो दिन चलेगा। ये वार्षिक उत्सव है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 30,000 रुपये की एक ग्रांट भेजी जाती है हरियाणा उच्चतर शिक्षा निदेशालय को, और उनके आदेशानुसार हम ये सांस्कृतिक आयोजन दो दिन करवाते हैं। और ये आयोजन क्यों करवाए जाते हैं? क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, बच्चों को एक मंच उपलब्ध कराने के लिए, ताकि वो किसी भी फील्ड के अंदर आगे जाकर के उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो। विशेष रूप से ऐसे आयोजनों के अंदर छात्र छात्राएं अगर भाग लेंगी तो वे नशे से दूर रहेंगी और भाईचारे की भावना बढ़ेगी और उनके अंदर नेतृत्व की भावना बढ़ेगी। आए हैं कल के समापन समारोह के सत्र के मुख्य अतिथि राजकीय महिला महाविद्यालय अटेली से प्रोफेसर राम कुमार जी सिंह हमारे बीच होंगे, जो बच्चों को अपने करकमलों द्वारा पुरस्कार वितरण करेंगे और इनको सर्टिफिकेट और नगद पुरस्कार के साथ नवाजा जाएगा। इसके अंदर गिद्दा, भंगड़ा, सांस्कृतिक नृत्य, राजस्थानी, हरियाणवी, सोलो नृत्य और महाराष्ट्र का लावणी विशेष रूप से आकर्षण के केंद्र रहेंगे। आगाज 2020 राजकीय महिला महाविद्यालय में होने जा रहा है, उसका आज शुभारंभ है। और ये संगीत और सांस्कृत प्रोग्राम है। ये संस्कृत प्रोग्राम तो बहुत ज़रूरी है, ये तो होते ही रहना चाहिए। इनसे बच्चों को एक स्टेज मिलती है, अपना कैलिबर दिखाने का मौका मिलता है, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है और ये होते रहना चाहिए। समाज में ये बहुत ज़रूरी है, इसी के माध्यम से संदेश जाते हैं समाज में। क्या संदेश देना? अच्छे संदेश है जी, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि बच्चों में ये जो चीज़ आ जाएगी, संस्कृत भावना और संगीत के प्रति रुचि बढ़ेगी, तो समाज में ये अपराध, मैं समझता हूँ, कम होंगे। नशा जो हमारे यहाँ इस समय जोरों पे है, तो बच्चे इससे बचेंगे, इनका ध्यान उस तरफ लगेगा, तो ये तो बहुत अच्छी और ये बहुत अच्छी। ये राजकीय महाविद्यालय में इतने बड़े स्तर पे काम हो रहा है, तो ये होते ही रहना चाहिए।